मऊ जिले के हलदरपुर थाना क्षेत्र के जमदरा गांव में भूमि विवाद को लेकर दबंगों ने 1 मई को एक महिला व उसकी बेटी के साथ छेड़खानी व मारपिटाई की। घटना के बाद लगातार पीड़ित पुलिस से न्याय की गुहार कर रही है, लेकिन उसकी कहीं सुनवाई नहीं हुई, जिसके बाद वह थक हार कर SP और DM के पास अपनी गुहार लगाने पहुंची। गांव निवासी संतोष करवार का गांव के ही नवतेज सिंह से भूमि विवाद है। इस विवाद को लेकर बीती 1 मई को नवतेज सिंह अपने कुछ साथियों समेत संतोष करवार के घर पर दावा बोल दिया, जहां पर उसकी पत्नी संध्या के साथ छेड़खानी भी की गई। बीच बचाव करने पहुंची उसकी बेटी और पत्नी दोनों को ही मारपीट कर घायल कर दिया गया, जिसके बाद भूमि विवाद को खत्म करने की धमकी देते हुए वह लोग चले गए। इसके बाद पीड़ित पक्ष अपनी गुहार लगाने थाने पहुंचा, जहां पर उनकी एक बिना सुनी गई। लगातार उनको कानूनी दांव पे समझा बुझा कर थाने के चक्कर कटवाया गया। इसके बाद थकार कर पीड़ित पक्ष ने SP और DM के दरबार में अपनी गुहार लगाई, जिसके बाद उनकी गुहार पर कार्रवाई करने के आदेश दे दिए गए हैं। जमीनी विवाद के लिए 5-6 आदमी हमारे घर में घुस करके हमारे साथ छेड़खानी करने लगे, और छेड़खानी करते समय हमारी बेटी जो गई छुड़ाने उसको भी मारे ये लोग, हमारे बच्चे सभी को मारे लोग। और मारने के बाद यहाँ हम जब हलदरपुर थाने पर गई तो हलदरपुर थाने पर के जो ये हैं नायब दरोगा, वो बोले कि अपना मुंह हाथ धोकर फ्रेश करके आओ, वो तुम आई हो यहाँ पर रिपोर्ट दर्ज कराने, जाओ सुबह आना तुम्हारा मेडिकल होगा। सुबह गई, सुबह भी हमारा मेडिकल नहीं हुआ। फिर तीसरे दिन गई तो तीसरे दिन बोले कि जाओ अपनी जात प्रमाण पत्र लेकर आओ। साहब मैं वहाँ से दर्द के मारे तो बेचैन थी, मैंने भागकर SP साहब के पास आई। SP साहब बोले कि तुम किसी को मार करके आ रही हो हमारे पास, जो मैंने उस में पाई वो चलाई और अपनी इज्जत बचाने के लिए।